कैसे हो? कैसा हूँ? सब मेरे कंधों पर आकर बैठ जाते हैं। बहुत बहुत हुआ, मैं फिर से पैनिक हो रहा हूँ। इसका क्या करूँ, उसका क्या करूँ? अरे मैं क्या इंटरनेट हूँ जो तुम सवाल पूछो और मैं जवाब दूँ? मैं तंग आ गया हूँ इन लोगों से। नहीं करना है मुझे काम, नहीं करना है। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं ठीक नहीं। मैं समझ गई, तुम फिर से स्ट्रेस में हो। तुम मेरे पास आ सकते हो कोचिंग के लिए। पिछली बार हमने सीरियसली नहीं किया था ना। ऐसा लगता है कि तुम्हें और सेशन की जरूरत है। मैं कैसे आ सकता हूँ यहाँ? शाम को नहीं आ सकता, नामुमकिन है। मैं बहुत बिजी हूँ। कल अम्यूजमेंट पार्क का शूटिंग रखा है। सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है। पता है मुझसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है यहाँ पे। हर बार होशियारी मेरे ही गले पड़ती है। कोई आइडिया डन हुआ नहीं कि उसकी तैयारी के लिए भागो। सारे डिटेल्स निकालने पड़ते हैं, सब मुझ पर ही डिपेंडेंट है। पता नहीं मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ। सब खत्म होने के बाद ही शायद मिलूंगा मैं तुम्हें। ये सब कब खत्म होगा मुझे पता नहीं। मैं कुछ नहीं समझी। तुम समझो या ना समझो उससे मुझे क्या, मैं यहाँ तुम्हें समझाने नहीं बैठा हूँ यार। मेरा दर्द वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। तुम नहीं समझोगी। अरे जीजी, मुझे तुम्हारी जरूरत है मार्केटिंग के लिए। मतलब मेरी वेबसाइट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फिर तुमने मुझसे वादा किया था तुम मदद करोगे, बोलो ना। हाँ किया था, याद है मुझे। जरा आज का काम चेक करने दो, रुको एक मिनट, बस चेक कर लेने दो मुझे। कहाँ है? हाँ मिल गया। हाँ सुबह उठना, फिर नाश्ता, ऑफिस के लिए जाना, चाय कॉफी पीना। हाँ पूरे दिन में मुझे आधे घंटे का ब्रेक है। ठीक है, काम के बाद मिलता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? हाँ ठीक है, शाम को मिलती हूँ। थैंक यू। जे, वो फाइल्स कहाँ है जो आर्चिव से ले गए थे? कहाँ है? क्या क्या कर रहा है? मिल रही है वो। तो तुम नहीं ढूंढ सकते? नहीं ढूंढ सकते? हर बात के लिए मूड है, मेरी तरफ दौड़े आते हैं, खुद देखेंगे नहीं, मुझसे पूछते रहेंगे कहाँ है। दो मुझे, देखो जरा। ये लीजिए, इस बार कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे। हाँ हाँ पढ़िए, मुझे लगता है ये अच्छा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। एक काम करो, आज तुम जाने दो। ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं साउंड कर रहा। तुम खुद को फोर्स मत करो, एक ब्रेक ले लो। अच्छा अच्छा नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? बस समझ गई। अरे मुझे भी बताओ क्या हुआ। आप क्या? देखो सुनिए, आप ये सब जानबूझकर करना चाहते हैं ना, ताकि आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करना चाहते। मैं समझ गई। क्या बोल रही हो? आप बहुत फनी है, बहुत फनी और बहुत अच्छा एक्टर भी। सच में मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों इम्प्रेस करने लगा? और क्यों करेंगे? बुरा है तो बुरा कहूंगा ना। आप अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। वेरी बैड सनम। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम में रोमांटिसिज्म की बहुत कमी है। बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। ऐसा नहीं कर सकती सनम, सच में जीरो। देखो कंटेंट खराब है, तुम खुद इसे देखो जरा। मैं ये फाड़ता हूँ, और अगर हम इस तरह काम करते रहे ना तो मजा नहीं आएगा। तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, नहीं तो अपने काम को कचरे की टोकरी में जाता हुआ देखोगी। मैं रोमांटिक लिख सकती हूँ, मैं रोमांटिज्म में माहिर हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकते मेरा रोमांटिज्म। रोमांटिज्म क्या होता है? मेरी पहली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी जिसे आपने फेंक दिया, समझे आप? आपने फेंक दिया उसे। ठीक है, शाम को मिलते हैं। कहा? मैंने कहा शाम को मिलते हैं। आपका मतलब इस बहस के बाद मिलते हैं? हाँ, प्यार बिजनेस से बहुत अलग है। और एक बात सुन लो, कि जब तुम गुस्सा होती हो ना बहुत खूबसूरत लगती हो। लेकिन मैं अभी भी गुस्सा हूँ, इसका क्या मतलब है बिजनेस और प्यार अलग है? ये कैसे जिंदगी है? ये तो बोरिंग कमर्शियल लाइफ है। ओह गॉड, ये सब क्या है? हाँ वॉल्कन, मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट को चुना है, बहुत अच्छा लिखा है, मुबारक हो तुम्हें। गाइस आज के लिए इतना बहुत था, अब आप जा सकते हैं और बाकी की तैयारी अच्छे से करें। थैंक्स, कल मिलते हैं। मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं। Oh.
तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, हम काम कर रहे हैं, पूछो इससे। आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या हुआ? चलो चुप। क्या हुआ बताना। ओह बहुत सारी बुरी चीजें, लेकिन अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम बता नहीं करोगी। तुम क्या कर रही हो? कैसा बर्ताव है तुम्हारा? सनी, ये सब क्या चल रहा है, मुझे अच्छे से बताओ क्या चल रहा है ये सब? वो सारे बेवकूफ है, पता है ना तुम्हें। हाँ, कोई भी सेंसिबल नहीं है और मैं सेंसिबल बनने का नाटक नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। मुझे पता है प्यार और लॉजिक दोनों एक साथ नहीं जा सकते, और तुम्हें तो पता है कि मैं सीरियस लड़की बिल्कुल नहीं बनना चाहती, ना ही सीरियसली काम करना चाहती हूँ। लेकिन जब भी वो मेरी तरफ देखकर स्माइल करता है तो मैं खो जाती हूँ, मैं बदल जाती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या था वो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लैला, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, लेकिन किसी से मत कहना प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। मैं और मिस्टर जान, हम दोनों प्यार में हैं। वी आर डेटिंग। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार बहुत ज्यादा तो नहीं है या फिर ब्लड प्रेशर बड़ा है? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो सनेन? तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या है? नहीं, मैं जानती हूँ हम प्यार में हैं, हम सिनेमा जाते हैं, हम एक दूसरे को डेट करते हैं। सनीम, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, हमारे सपने होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। सपने अपनी जगह पर है और हकीकत अपनी जगह पर, ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझी तुम? लेकिन क्यों, क्यों नहीं होगा ये बताओ। सनीम, तुम और जान अलग अलग जगह से आते हो। मिस्टर जान कभी भी ये शहर छोड़ सकते हैं, वो हमेशा अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। वो तो तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम क्या करोगी बताओ मुझे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर हूँ और मिस्टर जान कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ। मेरी बातें ध्यान से सुनो सनीम, ये नामुमकिन है, सच कह रही हूँ, नामुमकिन। उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम उनकी तरह नहीं जी सकते हैं सनीम। मैं वही करूँगी जो मेरा मन कहेगा, और क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ, कभी तो पॉजिटिव हो जाओ लैला। हाँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ, अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना सनीम। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। ग्रोसर सनीम अब चली है दुनिया को बचाने के लिए। अरे सनीम, सनीम मेरी बात सुनो, ये गेम तो ग्रोसरी वाली सनीम ही जीतेगी। सनीम, लैला एक मिनट यहाँ आना, ये वायरटी होल्डिंग से फाइनेंशियल ऑफिस में भेज दो। जी मिस्टर एमरे। एमरे, तुमने वायरटी के होल्डिंग की कैंपेन अरेंज की? वाह, तुम्हें कैसे पता चला? उनके सीईओ का कॉल आया था, वो हमारे हाई स्कूल में पढ़ता था। वैसे कहना पड़ेगा काफी अच्छा काम किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर। हाय सनीम, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मिस आइलैंड। पूरे दिन तुमसे बात नहीं कर पाई उस रिंग वाले इशू के बारे में, लगता है अब तुम अच्छा फील कर रही हो, राइट? मुझे फिर से झूठ बोलना पड़ा है, ये टॉपिक मत निकालिए प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। सी यू। सी यू। जेजे को ढूंढ रही हूँ। हेलो जेजे, यही कहीं होगा उस तरफ। तुम जेजे को? मैं उनकी दोस्त हूँ, उनके गांव से आई हूँ। अरे वाह, जेजे के गांव से, वैसे कौन सा है उसका गांव? क्या अभी बात करनी जरूरी है? बिल्कुल उसके जैसी। पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये वाला तुम्हें कैसा कुछ आइडियाज लेने चाहिए और सीखना चाहिए, तुम समझ रहे हो ना? और तुम्हें इसमें और थोड़ा जे जे। कैसी हो तुम? गांव के सारे लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं और उन्होंने ये बॉक्स भेजा है। अच्छा, मैं चलती हूँ जे। ठीक है जूजू, अच्छे से जाना।
तुम्हारा गांव बहुत दूर नहीं है क्या? अब ये लड़की कहाँ जाएगी? अरे दिखाओ तो है क्या? चलो दिखाओ तो। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जीजी? इसमें है क्या? लाओ इसे। क्या हुआ जीजी? मेरे पास दो, हम दोनों इसे साथ में खोलेंगे क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना, इसलिए। तो तुम तैयार हो इसे खोलने के लिए? अभी खोलो ना इसे। नहीं नहीं अभी नहीं, इसे बाद में खोलेंगे। क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? हाँ, तुम और मिस्टर जैन मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। क्या चल रहा है यहाँ? ये कहाँ से मिला तुम्हें? ये मेरा बॉक्स है, छोड़ो इसे, दूर हो जाओ। ये गांव से आया है बॉक्स, हटो हटो मेरे गांव। ये बॉक्स मेरे लिए मेरे अपनों ने भेजा है, मेरे अलावा इसे खोलने वाले तुम लोग कौन होते हो बताओ मुझे, चलो हटो। जी जी इसमें क्या है, हमें जाना है, खोल के देखने दो ना, हमें देखने तो दो, बताओ ना। मैंने कभी तुम्हारे गाँव के बारे में पूछा है क्या? नहीं ना। ठीक है मैं अपना गाँव बताती हूँ, मेरा गाँव है अदा पजारी। ओ तो तुम अदा पजारी से हो? सच में? वैसे मैंने बहुत सुना है कि अदा पजारी के लोग बहुत होशियार होते हैं ना। बट मैं तो मलाते हूँ। हाँ सुना है मैंने, बहुत होशियार होते हैं। मैं मनीषा से। तुम्हारी तरह होशियार होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत देखने तो दो। हटो, अरे तो काम करो, नहीं लगाएगा, हटो। जी जी देखो ना सनम, ये लोग मुझे मेरे गांव से आया हुआ क्यों खोलने नहीं दे रहे? पता नहीं इन्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है, अगर इसमें कुछ खतरनाक हुआ तो क्या करेंगे? अरे छोड़ो इसे, कहाँ ये मेरा बॉक्स है, इसमें बड़ी कीमती चीजें होंगी, गांव की यादों से जुड़ी हुई चीजें होंगी, मैं इन्हें ये बॉक्स खोलने नहीं दे सकता, समझी? छोड़ो, मुझे देखने दो। देख लिया जे जे, अब तो मुझे भी जाना है, इसमें आखिर है क्या? अरे नहीं जाने दो, मैं सिर्फ सनम को बताऊंगा, सिर्फ सनम को, समझे? एक बार मुझे भी देखने दो। अरे हटो यार। जे हम तुम्हारे जे, रुको ना जे जे, रुको ना जे जे, कहाँ जा रहे हो? जान मैं कल रात सो नहीं पाई, मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सब एक्सप्लेन करने का, आप बस सुन लीजिए, मुझे आपको सब बताना है, आपको मुझे नहीं देखना है, मत दिखिए, पर प्लीज। मुझे जो बात करनी थी वो मैंने कल रात कर ली। पता है, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना सनम। आपको सुनना पड़ेगा, मैं कब से सच बताने की कोशिश कर रही हूँ। I don't believe you, सनम। मुझे तुम्हारी इस झूठ में शामिल नहीं होना। मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही थी, I swear। सनम, तुम जा रही हो या मैं जाऊं? जान प्लीज। मुझे आज से मिस्टर जान बुलाया करो। मिस्टर जान, आप कब आए? मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम जा सकती हो सनम। मिस्टर जान आप जब भी फ्री हो मैं आपसे तब बात करना चाहूंगी। सनम, मिस्टर जान ने तुम्हें कहा है ना जाने के लिए, तुमने सुना नहीं? ठीक है मिस्टर जान। जब भी मैं यहाँ आती हूँ सनम आपके रूम में होती है, वो भी हमेशा आपका मूड स्पॉइल करने के लिए। क्या काम है डेरन? दरअसल मैंने फोकस ग्रुप की रिसर्च चेक की है, आप देखना चाहेंगे? ये लीजिए। राइटिंग पर कभी गिव अप मत करना और अपने सपनों पर भी।
हाँ मैंने चेक कर लिया, और कुछ करना है? नहीं और कोई काम नहीं है। ठीक है मिस्टर जान, आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, अपनी टीम को लेकर आओ और उन्हें ये रिजल्ट्स दिखा दो। ऑल राइट समझ गई। मेरा पेन दे देंगे प्लीज? श्योर, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग, हम ओवीडियो से मिलने जा रहे हैं ना? तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है जान, मैं तुम्हारी कंसल्टेंट हूँ। हमें अगर कंसल्टिंग की जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लेंगे, अभी तुम अपने ऑफिस जाओ, आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपने ऑफिस में वेट करो आइलेन, हमें जब भी तुम्हारी जरूरत होगी हम कॉल कर देंगे, ठीक है? ओके, जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। जरूरत नहीं पड़ेगी, जाओ यहाँ से। ये यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? How dare you come in here? चल निकल यहाँ से, निकल। तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? तुम होते कौन ऐसा कहने वाले? मैं भी इस कंपनी में पार्टनर हूं, ठीक है? देख हमें मेरी बात सुन, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एट ऑल, तो इससे पहले कि मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूं यहां से चुपचाप निकल जा, निकल। बहुत पछताओगे तुम। अभी तो मैं जा रहा हूं लेकिन बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, याद रखना, छोड़ूंगा कभी, दिखाई मत देना। क्या क्या है? हाँ काम करो अपना अपना, चलो। जेजे मैंने फाइल्स बना ली है और ये मिस डेरन के लिए है, मैं मिस्टर जान को लेने जा रही हूँ। अरे क्या कर रही हो, उन्होंने कभी तुम पर गुस्सा किया था? थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, मुझे उनसे बात करनी है। सनेम उनके पीछे मत पड़ो, मैं तो कहता हूँ तुम्हें रिजाइन करना चाहिए वरना फायर हो जाओगी। बॉक्स ओपन करें, शायद उसके बाद तुम खुश हो जाओ। हाँ आओ खोलते हैं बॉक्स, आओ खोलते हैं ना, आ जाओ। मिस्टर जान, मिस्टर जान मुझे आपसे काम है। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है, जरा जरा देखिए आपको कितनी तकलीफ है, आप मुझे जॉब से निकाल दीजिए। तुमने इस कंपनी के पैसे लिए, सही कह रहा हूं? एमरे को तुम मंथली पैसे लौटा रही हो, है ना? राइट। ओके, तो जिस दिन तुम पूरी पेमेंट कर दो उस दिन से तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, तुम जहां जाना चाहती हो वहां जा सकती हो, ठीक है? जान ने पहले ही बोल दिया है कि कस्टमर की कैंपेन का फोकस एक्शन पर होना चाहिए, तो अपने अपने आइडियाज रखो। हम माउंटेन की पीक पर कार को जाते हुए दिखा सकते हैं, क्यों सही कहा ना? नहीं बहुत ही ऑर्डिनरी है।
हाँ जी जी हम दिखाते हैं कि कार माउंटेन के रास्ते पर जा रही है, वो ऊपर चढ़ रही है, लेकिन मेरे पास इसमें कुछ एडिशन है। जैसे कि कार चढ़ रही है, वो एक क्लिफ से अचानक नीचे गिरती है, लेकिन उस कार में जो लोग हैं वो फंस जाते हैं और देखते हैं कि जंगली जानवर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको खाना चाहते हैं। हम यहाँ कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शेर का गुर्राना, रोर रोर। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो उनको टच नहीं कर सकते, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये कार कितनी सिक्योर्ड है। कैसी लगी मेरी आइडिया, बताओ? हाँ, हाँ। मतलब कार को नीचे फेंक देंगे क्लिफ से, मतलब कार का एक्सीडेंट, बहुत अच्छा आइडिया। और ऐसी बहुत सारी खतरनाक आवाजें भी हैं इसमें जो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि तुम कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो, और कुछ जोड़ना है तुम्हारी बेवकूफी में? कुछ भी मत बोलो। मिस देरिन, अगर हम किसी सपोर्ट से शुरू करें तो अच्छा होगा, ये बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं, है कि नहीं? ये अच्छी है, लेकिन हम इसका कनेक्शन कैसे दिखा पाएंगे? सने, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा धासु जीनियस आइडिया नहीं है क्या? बताओ हम सबको। सनम, सनम मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सनम तुमसे बात कर रही हूँ। सॉरी सनम, तुम्हारी इंटर्नशिप तकरीबन खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हें यहाँ स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से रहना है तो तुम्हें मीटिंग की बातें अच्छे से सुननी पड़ेंगी। आप सही कह रही हैं। आज सारे कैसे स्ट्रेंज लग रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों। हम क्या करें? कॉफी ब्रेक ले लें क्या 10 मिनट का? उसके बाद हम मिलते हैं। ठीक है। कोई नहीं हिलेगा, सब लोग यहीं पर बैठो। मुझे लगता है यहाँ मीटिंग करके कोई फायदा नहीं है, इस तरह से बात करके। एक काम करिए, आप सब लोग अपने अपने आइडियाज लिख लीजिए, फिर हम एक साथ बैठकर बात करते हैं। सनम, क्या तुम हमारे लिए कॉफी लाओगी? वैसे भी तुम्हारा ध्यान नहीं था आज मीटिंग पर। हाँ लाती हूँ, मैं उसको मदद करता हूँ। तुम बैठ जाओ जीजे, तुम अपने आइडिया पर काम करो, तुम भी इंटर्न हो यहाँ पर, समझ गए? आगे बोलो क्या। अरे मेरी स्क्रिप्ट राइटर बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मीटिंग में होना चाहिए। मिस डेरन ने सिचुएशन का फायदा उठाया और मुझे फिर से हेल्पर बना दिया, इसीलिए कॉफी बना रही हूँ। उसको बहुत सीरियस मत लेना, उसकी बात ज्यादा मत सुना करो, समझी तुम? समझ गई ना, उसको ज्यादा भाव मत दिया करो तुम, समझी? जाने दो। मिस जान, आपकी कॉफी। मीटिंग खत्म हो गई है, ये फाइल्स दे देना प्रिंटिंग के लिए। ठीक है मिस जान। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन आप कहीं जा रहे हैं? मैं बोर हो गया हूँ, बाहर जा रहा हूँ। मैं भी आती हूँ साथ में। ठीक है, मैं बाहर हूँ, आ जाओ। ठीक है। सनम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।